आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। कोरोना की बेकाबू रफ्तार, दिल्ली में 22,000 और महाराष्ट्र में 44,000 नए मामले आए सामने। कोरोना और वैक्सीनेशन पर मनसुख मंडाविया की आज अहम बैठक, महाराष्ट्र गुजरात समेत 5 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगे चर्चा। आफत बनकर आई बारिश और ओलावृष्टि, रो पड़े किसान, यूपी और एमपी समेत कई राज्यों में फसल को भारी नुकसान। मुंबई के मुस्तफाबाग इलाके में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर गंभीर आरोप, बोला जनता के लिए कुछ करते तो चुनाव से ना घबराते। समाजवादी पार्टी के निर्वाचन आयोग से कुछ अधिकारियों को हटाने की मांग, भाजपा कार्यकर्ता होने का आरोप। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भी होंगे पुरानी पेंशन के हकदार। जिला निर्वाचन अधिकारी ने देखी व्यवस्थाएं, बताया घर बैठे ऑनलाइन नामांकन कर सकेंगे उम्मीदवार। स्वतंत्र देव ने सपा पर कसा शिकंजा, बोले राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने के लिए आना चाहते हैं अखिलेश। यूक्रेन पर हमला किया तो तबाह होगा रूस, आज दोनों देशों के शीर्ष कूटनीतिक अधिकारी होंगे बैठक में शामिल। भारत से प्राप्त कोच की सहायता से ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई, कोलंबो को जाफना प्रायद्वीप के उत्तरी छोर से जोड़ेगी। तालिबान के राज्य में अफगानिस्तान की महिला पत्रकारों पर बढ़ता ही जा रहा है प्रतिबंधों का दायरा। इस साल दिवालिया हो सकता है श्रीलंका, चीन के कर्ज के जाल में फंसे पड़ोसी मुल्क में रिकॉर्ड स्तर पर मुद्रास्फीति। मालदीव से 2 दिन के दौरे पर श्रीलंका पहुंचे चीन के विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री राजपक्षे से निवेश और पर्यटन पर करेंगे बातचीत। राफेल नडाल ने जीत करियर का 89वां खिताब, महिला वर्ग में हालेप में मारी बाजी। फीफा पुरस्कार 2021 की दौड़ में लियोन मेसी, क्रिस्टोनियो रोनाल्डो बाहर। भारतीय टीम ने तीसरे टेस्ट से पहले किया अभ्यास, लेकिन हेड कोच राहुल द्रविड़ ने जताई चिंता। भरत सुब्रमण्यम बने देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, 14 साल की उम्र में किया कमाल। डीन एल्गर ने टीम इंडिया को दी चेतावनी, कैपटाउन टेस्ट के लिए बनाई खतरनाक रणनीति। महाराष्ट्र की सौम्या कांबले बनी इंडिया बेस्ट डांस सीजन 2 की विनर, 15 लाख के साथ जीती शानदार गाड़ी। वेघा के रूप में दिखे ऋतिक रोशन, बर्थडे पर सामने आया विक्रम वेघा का फर्स्ट लुक। किशोर मर्चेंट के 4 महीने के बेटे को हुआ कोरोना, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी।
अमेरिकी कॉमेडियन और फुल हाउस स्टार बॉब सेगेट की संदिग्ध हालत में मृत्यु, होटल के कमरे में मिली लाश। सात साल बाद अभिनेता राकेश बापट कर रहे हैं शो में वापसी, राजन शाही के फ्रिक्शनल शो का होंगे हिस्सा। पांच मिनट के 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।